आईएनडीआईए पूरी तरह से एनडीए को खत्म करने वाला है, क्योंकि गठबंधन यही कह रहा है कि इस बार जो है 2024 में ये जो गुट है, जो गठबंधन, देखिए ऐसा है कि ये जो है कि खत्म करने वाला है, ये वाला, ये सब कहानियां पहले भी आपने उत्तर प्रदेश में भी सुनी होगी, कई जगह ऐसे गठबंधन हुए हैं जहाँ बाद में कभी बोला गया कि साइकिल पंचर हो गई, कहीं पंजे का निशान नहीं छूटा, कहीं कहीं कुछ, ये सब बातें हैं, जुमले हैं एक दूसरे को। 370 हटाना हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो 3 तलाक कानून हो, हमने देखा है कि 2014 के बाद से सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस उस चीज पे किया है। 370 हट गया, 3 कृषि कानून की हम बात कर रहे हैं। न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण और मैं हूँ आपके साथ हरीश असवाल। और आज हम दोनों जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि मुद्दा है लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ा। जी हाँ, INDIA वर्सेस NDA इस वक्त देश में खूब ट्रेंड कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो INDIA को लेकर हो रही है, क्योंकि दिल्ली में शरद पवार के आवास पर एक बैठक जो है INDIA गठबंधन की चल रही है। बैठक क्यों हो रही है, इसके पीछे का क्या कारण है, ये तो बैठक के बाद पता चल पाएगा, लेकिन जो अंदर खाने से तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है वो ये बयां कर रही है कि फोकस जो है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि शीट शेयरिंग कैसे होगी, चेहरा कौन होगा, किसको क्या पद मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक जो आरोप लगते रहे हैं और जो सवाल उठते रहे हैं कि INDIA NDA जिस तरह से आरोप लगाता रहा है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एकजुटता इनमें कभी नहीं आ सकती है, क्योंकि NDA के पास एक चेहरा है नरेंद्र मोदी, INDIA के पास कोई चेहरा नहीं है। तो क्या चेहरा इतना ज्यादा जरूरी है देश के लिए? देखिए, सबसे पहले INDIA की बात करें और NDA की बात करें, ये बैठक जो चल रही है इसमें कहीं पे भी काजोल आपको जनता का हित दिखाई दे रहा है? मुझे जो लगता है ये सिर्फ अपने हित की बात हो रही है कि हम भैया किस किस पोजीशन पे हम लोग लड़ेंगे, कितनी सीट होंगी हमारी, कैसे होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन उप प्रधानमंत्री बनेगा और रक्षा मंत्री कौन बनेगा, ये कौन, ये सब अपने ही अपने दायरे में अपने लिए सेट कर रहे हैं। इनके एजेंडे के अंदर जनता कहीं पे भी सेट नहीं हो रही है, न फिट हो रही है। इनको सबसे पहले अपनी ताजपोशी की चिंता है, देश की चिंता कहीं दिख नहीं रही है। और बात चेहरे की, अगर इनका INDIA इतना मजबूत होता, जो मेरा मानना है, अगर इतना मजबूत होता तो ये सड़क पे ही काम करते, जैसे राहुल गांधी यात्रा थी, राहुल गांधी ने पदयात्रा अपनी की, भारत जोड़ो यात्रा बहुत कारगर यात्रा थी उनकी, उसमें लोग जुड़ते हुए नजर आए। एक्चुअली जा सकता है कि राहुल गांधी ने कमबैक किया, बिल्कुल किया। हाँ, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी छवि, एक अच्छी तस्वीर जो है उनकी निकलकर सामने आई है। लेकिन हरीश जी, देखिए फिर वही सवाल है कि बात तो चल रही है कि INDIA पूरी तरह से NDA को खत्म करने वाला है, क्योंकि गठबंधन यही कह रहा है कि इस बार जो है 2024 में ये जो गुट है, जो गठबंधन, देखिए ऐसा है कि ये जो है कि खत्म करने वाला है, ये वाला, ये सब कहानियां पहले भी आपने उत्तर प्रदेश में भी सुनी होंगी, कई जगह ऐसे गुट गठबंधन हुए हैं जहां बाद में कभी बोला गया कि साइकिल पंचर हो गई, कहीं पंजे का निशान नहीं छूटा, कहीं कहीं कुछ, ये सब बातें हैं, जुमले हैं एक दूसरे को। और इसमें जो सबसे बड़ी कमी जो मुझे INDIA में नजर आती है, ये कभी धुर विरोधी भी रहे हैं आपस में। अब इनकी सीट का लालच और इनका सत्ता पक्ष, जो सत्ता में आने का लालच, वो इन सबको लालच से एक साथ लाए हैं। कहीं जनता के दिमाग में ये हो कि ये हमारे हित के लिए इकट्ठे हैं, ये गलतफहमी निकाल दें, क्योंकि धुर विरोधी रहे हैं। हर इलेक्शन के 10 दिन बाद ही एक दूसरे, अगर हारते हैं तो बयानबाजी भी इनकी सामने में देखी गई है, तो 10 दिन पहले जो होते हैं ये 10 दिन बाद चेंज नजर आते हैं। आपने चाहे मुलायम सिंह की पार्टी के साथ मायावती की पार्टी का देखा हो या कांग्रेस का देखा हो, पिछले चुनाव में अलग अलग लड़े, सीटों को लेकर इनकी लड़ाई रही और वो चीजें सामने नजर आई, तो आपको कहीं पे नजर नहीं आएगा कि ये जनता के हित की इन्होंने कहीं बात की है। ठीक है, अगर हम बात करें 10 सालों की, क्योंकि 10 साल कंप्लीट कर लेगी नरेंद्र मोदी सरकार जी, इसमें बहुत सारे काम हुए हैं ऐसा सरकार का कहना है, और आम जनता के बीच हम जाएंगे तो उन पर बात भी होती है। देखिए, आज हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और इसमें से मैक्सिमम कार्यकाल जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट का है, ठीक है, लगभग 60 से 65 साल का कार्यकाल इनके पास रहा है।
ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, आज भारत जिस पोजीशन में पहुंचा है उनका भी पूरा पूरा योगदान है। कमियां रही, 1984 भी उनकी कमी रही, आपके 1984 के जो दंगे हुए वो भी एक कमी थी, उससे पहले आपका इमरजेंसी लगाई गई वो भी एक कमी थी, बहुत सारी कमियां रही हैं, ऐसा नहीं है। और जनता ने उस चीज़ को नकारा भी है, जनता ने साइड बैठाया है कि जो मतलब कॉन्स्टेंटली काम करेगा उसको जनता पसंद करती है। पिछले 9 साल का अगर रिकॉर्ड निकालें बीजेपी का, काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, काम हुआ है चाहे आप विदेश नीति पे काम हुआ है, आप एजुकेशन पे काम हुआ है, एजुकेशन और आपका आप सेना को लेके बात करें बहुत मजबूती आई है। आज सेना बोल सकती है कि हाँ फ्री हैंड है, एक्शन लेने के लिए उनको पीछे के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो इसी तरह से कई काम हुए, उन काम के ऊपर वोट मिलेगा। अच्छा, और इसमें एक और कड़ी ये भी जुड़ती है कि अब पीछे आप 60 सालों का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस ने 60 साल राज किया, इन 60 सालों में बहुत सारे मुद्दे उठे जो उठाए गए, चाहे वो 370 हटाना हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो 3 तलाक कानून हो। हमने देखा है कि 2014 के बाद से सरकार ने सबसे ज़्यादा फोकस उस चीज़ पे किया है, 370 हट गया, 3 कृषि कानून की हम बात कर रहे हैं, और दूसरे हमें केंद्र शासित प्रदेश और देना, इसके अलावा 3 तलाक जो बिल है वो पास कराना, और अपकमिंग जो बिल्स हैं उन पर लगातार फोकस करना। बिल्कुल, 18 से 22 तारीख में ये पता लग जाएगा कौन कौन से बिल और पास होने हैं। और मैं बोलूँ कि बहुत मजबूती से इन्होंने जो कहा बीजेपी ने वो अपना कर दिखाया, 3 तलाक का मुद्दा हो, 370 हटाना हो, इन सब चीज़ों पर राम मंदिर बनाना हो, चाहे कोर्ट से ही पास करा के लाए, इन्होंने तो कहा था कि मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, इन्होंने तारीख भी बताई है। 3 तलाक की बात की थी, इन्होंने 3 तलाक भी हटा, 370 जो इम्पॉसिबल वर्ड के साथ इन लोगों ने, कांग्रेस ने खुद कहा था कि इम्पॉसिबल है 370 हटाना, इन्होंने 370 के बाद 370 के बाद अब कश्मीर की जो पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग है और वहाँ के लोग खुद कह रहे हैं कि हमें चेंज आया है। तो नेताओं के कहने पे, क्योंकि इनकी दुकानदारी बंद हो गई इस कारण से ये लोग 370 के वो थे, क्योंकि 370 से इनके कहीं ना कहीं पे इन लोगों की दुकानदारी चल रही थी, तो ये क्लियर है। तो इस तरह के कई मुद्दों पे सरकार ने काम किया और कर दिखाया, उसकी उसकी चिंता नहीं की कि इसका रिजल्ट उल्टा भी हो सकता है या कुछ है, उन्होंने जो बोला वो कर दिखाया। अच्छा, बहुत सारे टॉपिक्स विपक्ष लगातार उठाते हैं जिनको लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा, जो काला धन है उसे वापस लाने का मुद्दा, GST को लेकर इन्होंने विरोध किया, नोटबंदी को लेकर विरोध किया, अब भारत नाम बदलने को लेकर भी चर्चा अब हो देखो रही है। इसमें अरिज एक और सवाल है कि हमारे जो नोट हैं जिससे हमारी पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो चलती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस पर लोग पूछना चाहते हैं कि क्या वहाँ से भी चेंज होगा, तो फिर हम तैयार रहें नोटबंदी के लिए। देखिए, वो तो खैर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा से रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो बदलना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो मैं आपको बिल्कुल आप रिकॉर्ड कर लें इस चीज़ को कि ये कभी बदल नहीं सकता। नोटबंदी अब कितना कारगर रहा है वो सरकार की आप आंकड़े बता ही रहे हैं कि इनकी योजना कैसी थी। और आपने एक और प्रश्न पूछा था कि इनका 370 से लेकर, इनका नोटबंदी से लेकर, आप किसी भी प्रकार में किसी भी जाएं, देखो जहाँ आप ये बोलोगे कि 100% वो पॉसिबल है हर चीज़, आप 100% तो ह्यूमन बीइंग है ना, मैं 100% परफॉर्म कर सकता हूँ ना, कहीं ना कहीं जो करेगा वो थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी। फिर कंपैरिजन ये भी आ जाता है कि आपने 60 साल राज किया और अभी तो 10 साल हुए हैं, थोड़ा और मौका दें। अच्छा काजल जी, 10 साल में आपको परिवर्तन नजर नहीं आया? आप एज अ महिला आप बताइए कि आप आज देश में किस तरह से घूमती है। बिल्कुल, एक अगर महिला होने के नाते मैं बताऊँ तो हाँ, मुझ में कॉन्फिडेंट आया है 2014 के बाद से, और ये ज़रूरी भी है, महिला कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और जो सबसे बेहतर जो चीज़ है वो देश की छवि जो वर्ल्ड वाइड अच्छी हुई है। अब भारत को लोग ना एक गर्व के तौर पर देखते हैं, बाहर के लोग भी जो बाहर रह रहे हैं वो भी गर्व महसूस करते हैं। तो जब ये गर्व महसूस करते हैं तो ये गर्व का ये हम बांटते हैं कि ये कांग्रेस वाला गर्व है, ये बीजेपी वाला गर्व है, ये INDA वाला गर्व है, ये NDA वाला गर्व है। गर्व देश का होता है, मेरे भारत का गर्व है। अच्छा होता है तो सबको अच्छा बोलना चाहिए, हर चीज़ का विरोध करना गलत है। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस ने कुछ अच्छा नहीं किया, कांग्रेस की कई योजनाएं ऐसी हैं जो आज भी चल रही है, सरकार ने उनको अपनाया है। ऐसा तो नहीं कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट आई उन्होंने मनरेगा बंद कर दिया, उन्होंने करा है कि ये योजना वाकई में बहुत अच्छी थी, अच्छी है और इसको करना चाहिए, उन्होंने किया है।
उसी तरह से प्रधानमंत्री योजना है, हर हर घर सड़क योजना है, हर घर जल योजना है, हर हर घर बिजली योजना है, सब हुई। आज 100% गांव में बिजली है। आप मुझे एक गांव बता दीजिए जहां बिजली ना हो। हर गांव में पानी है, हर घर में पानी है। पहले पानी लेने के लिए आपको कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, आज हर घर में नल है। तो ये कुछ अच्छा हुआ है, अच्छे की हमें सराहना करनी चाहिए और बहुत ही जरूरी है कि अच्छे काम की चर्चा भी होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा देखिए, अगर INDIA गठबंधन की हम बात करें तो इसमें जो पार्टियां हैं वो बहुत ही क्षेत्रीय पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश को ही अगर एग्जांपल के तौर पर हम लें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, या RLD हो गई, या इसके अलावा सुभासपा हो गई। बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं जहाँ पर जहाँ क्षेत्र में उनका दबदबा रहा है। तो ऐसे में क्या जो क्षेत्रीय दल हैं वो तैयार हो जाएंगे कि हाँ INDIA के साथ हम जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के हैं, क्षेत्रीय पार्टी है तो हम उनके साथ हैं? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी का जहाँ तक होता है, क्षेत्र में व्यक्ति विशेष को वोट मिलता है, ठीक है। अगर आप पार्टी की बात करें तो पार्टी ओवरऑल देखी जाती है। आपके यहाँ का विधायक आपका नोन है, आपकी रोज बीच उठता बैठता है, एक उसके नाम पर वोट जरूर पड़ता है। जहाँ पार्टी की बात आती है, लोग पूरे देश को देखते हैं, उस टाइम पार्टी को वोट पड़ता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि सारी पार्टियां एकजुट होकर एक तरफ चली जाएंगी। किसानों में आपने देखा होगा, किसान आंदोलन में, किसान आंदोलन ही दो धड़ों में बटा हुआ था। तो ये जो तीन कृषि कानून की बात लगातार हो रही थी, हमने आंदोलन देखा, 1.5 साल ये आंदोलन चला, दिल्ली की सड़कें पूरी तरह से जाम हो गई थी, क्या इसका असर 2024 में नजर आएगा? 2024 में इसका असर पॉजिटिव नजर आएगा। वो कैसे पॉजिटिव? ऐसे नजर आएगा कि किसानों के अंदर, किसानों के घर में आज डायरेक्टली पैसा जा रहा है, गन्ने का पैसा उनके अकाउंट में डायरेक्ट जा रहा है। पहले राजीव गांधी का कहना था कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ, 15 पैसे नीचे पहुँचते हैं। आज 1 रुपये का 1 रुपये आपके किसान के डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। नेताओं का, जो नेता भटकाते हैं, जो इस तरह की राजनीति करते हैं कि भैया तुम्हारा तो बड़ा बुरा हो रहा है, सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो 1000 रुपये हजारों किसानों को देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और वो भी डायरेक्टली उनके खातों में देना। खाते खुलने की बात हुई थी, कई अपोजिशन ने उठाया कि इतने खाते खुलवा दिए कि ब्लैक मनी आएगा, ये आएगा। मैं बोलता हूँ ब्लैक मनी नहीं आया, बट उस आदमी का अकाउंट खुल के उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा तो आया। बहुत बड़ी किसी वृद्धा योजना आई है, वृद्धा योजना में पेंशन आपको मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आपका हक मिल रहा है। मैं ये बोलता हूँ कि ये फ्रीबीज की तरह नहीं है, ये आपका आपका अपना किसान का अपना हक है। ये सब्सिडी जो है उसको अपने जीवन की सब्सिडी है जो उसने देश के लिए लगाई थी, वो देश का देश आज उसको रिटर्न कर रहा है कि आपको हम इस रूप में दे रहे हैं। यानी आपका कहने का मतलब ये कि INDIA सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को भटकाने की कोशिश कर रहा है, या कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नेता हैं, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, वो एक अच्छी रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, पर्सनली मैं बात करूं, वो बहुत ही संभले हुए नेता नज़र आ रहे हैं आज की डेट में। वो पिछले 5 साल पहले वाला राहुल गांधी नहीं है अब। राहुल गांधी के अंदर एक दिशा है कि उसको किस तरह देश को बर जो उनका ये INDIA बनाया है, मैं समझता हूँ उनको 5 साल 10 साल और इंतजार करते तो शायद उनको INDIA की जरूरत ना पड़ती, UPA को अलग होने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से वो चल रहे हैं, हाँ। वो भविष्य उनका बिल्कुल क्लियर है, पर INDIA का भविष्य बिल्कुल भी नहीं है। आप बोलिए कौन से कौन इसमें, जितने क्षेत्रीय पार्टियां जुड़ी हैं इनमें, सब अपने अपने, और इन पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुकदमे आज भी भ्रष्टाचार के चल रहे हैं। अब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचारी था वो BJP में जाके वॉशिंग मशीन में धुल गया। मैं बोलता हूँ पहले भ्रष्टाचारी जब तुमने क्या वहाँ पर माना था उनको, वो भ्रष्टाचारी है? अपने यहाँ माना था तुमने? अगर तुमने अपने यहाँ माना था तो वो ठीक है, वो भ्रष्टाचारी है। अब वो BJP ने उनको अपने यहाँ ले लिया तो तुम कह रहे हो वो भ्रष्टाचारी था, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही? ये बात पहले होनी चाहिए थी कि ठीक है, ये भ्रष्टाचारी है, इसको हम अपनी पार्टी से निष्कासित करते हैं। तो वो व्यक्ति जो भी वो भ्रष्टाचारी था वो कहीं का भी ना रहता। अच्छा, आपने देखा है कि जब आप मिडिल क्लास की तरफ जाएंगे या लोअर मिडिल क्लास की तरफ जाएंगे या गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनके पास आप जाएंगे जमीनी स्तर पर, तो लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि कौन भ्रष्टाचारी है, किस अडानी की बात कर रहे हैं, किस अंबानी की बात कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है योजना उनके लिए क्या है, योजना कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं जो उनके हित में है। तो बेसिकली वहां पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या INDIA वहां पहुंच रहा है?
मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक पहुँचा है और ना वहाँ अभी पहुँच पाएगा, क्योंकि देखो सरकार की कुछ योजनाएं हो तो सरकार के साथ ही, अब ये मान लो INDIA आ गई किसी कारण से आ गई, मैं बोलता हूँ इनको यही योजना बनाने में 10 साल लग जाएंगे, जिस योजना के कगार पर NDA खड़ी है, जिसको सिर्फ अब उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ डालना है, रोड मैप पूरा तैयार है, सब कुछ तैयार है। मैं बोलता हूँ अडानी की आप बात करिए, आपने अडानी ने क्या किया, जमीनें लिए, वेयर हाउस बनाने की बात की है। आपने कभी गांव में गए हो, कभी गांव में जाना, लोगों का, किसानों का अन्न जो है वो आपका खेतों पे ही सड़ जाता है, कई बार हम देखते हैं भंडारण में ही सड़ जाता है, बरसात में पूरा फसल वो सब सड़ जाता है। अगर उनको वेयर हाउस नहीं मिलेंगे तो उनका क्या होगा, आपने कभी सोचा? अब इसे सोच के देखिएगा, आप गांव गांव जाके देखिएगा, आपको पता लगेगा कि किसानों को कितनी उन वेयर हाउसेज की जरूरत है। आप वेयर हाउसेज में आप स्टोरेज चार्जेस दीजिए ना, आप कंडीशन वो हो सकती है, आप जरूरी नहीं कि अडानी को बेचने जाइए। आप किसान का अगर स्टोरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो किसान मनमाने रेट पे अपनी चीजें बेच सकता है, किसानों को ही फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन, इससे पहले भी हम इस पर बहुत बड़ी चर्चा कर चुके हैं, एक देश एक चुनाव। अगर आखिर में बस यही पूछूंगी कि आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या मानना है, अगर आने वाले समय में जो 2024 में अगर एक देश एक चुनाव होता है तो आपको भारत किस तरह नजर आ रहा है? काजोल, मैं पर्सनली मुझसे पूछोगी तो मुझे पूरा भारत केसरी नजर आ रहा है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर जनता जागरूक है, समझदार है, तो उनको काम पे वोट देना चाहिए। आज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो चुका है हमारा कि जहाँ हमारे को पहुँचने में, आप नोएडा बैठी हैं, नोएडा से आगरा जाने में 6 से 7 घंटे लगते थे, अब आप 2 घंटे में पहुँचते हैं। देहरादून जाने में कम से 8 घंटे लगते थे, आज आप 3.5 घंटे में पहुँच रहे हो, आने वाले समय में आप 2.5 घंटे में पहुँचोगे। ये 2024 की बात है, 2024 या 2025 में आप 2.5 घंटे में पहुँचोगे। ऐसे ही बॉम्बे आप 12 घंटे में पहुंचोगे, बॉम्बे जाने के लिए आप सोच भी नहीं सकते थे कि गाड़ी से बॉम्बे जा पाओगे। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सारे चेंजेस आए हैं, एजुकेशन को लेके बच्चों के अंदर जो हमारे समय पे काउंसलिंग नहीं थी, आज इतने ज़्यादा वास्ट है कि बच्चे डिसाइड कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पढ़ना है, विदेश में पढ़ना है, या विदेश वाली एजुकेशन मुझे इंडिया में लेनी है। ये भी पॉसिबल है कि आप ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन इंडिया में पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जो अवेयरनेस से आई है। तो इनके ऊपर आप देश की बात करें, पहले हमारे देश को सपेरों का देश बोला जाता था, आज हम 5वें स्थान पे हैं, आने वाले कुछ सालों में हम 3रा स्थान पे भी होंगे। G20 में इस बात का जिक्र हुआ है इसमें, है ना। तो उससे हम बाहर निकले हैं। आज हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू और मुसलमान, मुसलमान की अगर बात करें तो मुसलमान बहुत पढ़ा लिखा हो गया, जिसने एजुकेशन की तरफ गया उसका विकास देश के साथ साथ हुआ है, जिस जो एजुकेशन की तरफ नहीं गया उसका विकास नहीं हुआ है, और जो नहीं हुआ है वही लोग इन राजनेताओं के चक्कर में आते हैं, और चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जो अनपढ़ तबका है वही इस वोट की राजनीति में फंसता है। जो पढ़ा लिखा है वो आपको काम पे वोट देगा, आपके चेहरे पे वोट नहीं देगा। प्रधानमंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री के शक्ल पे वोट नहीं मिलेंगे, उसके काम पे वोट मिलेंगे। तो चेहरे पर मत जाइए, काम पर जाइए और वोट जरूर करिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है, सरकार चुनने का लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है। ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी आगे ऐसे ही अपडेट आपके लिए आने वाली है। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया।